हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल रास्ता क्या है। तो श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय में 52वां श्लोक है कि कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। यानी त्रेता द्वापर सतयुग में भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए योगाभ्यास किया जाता था, ध्यान लगाया जाता था भगवान के ऊपर, और त्रेता युग में भगवान को पाने के लिए यज्ञ किया जाता था, और द्वापर युग में भगवान की ऐश्वर्य पूर्ण से सेवा की जाती थी, और कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के हरि के नामों का जप करना है। कलो तत् हरि कीर्तनात्, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करना है, और हरि नाम का जप करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्यों हम इस युग में, कलयुग में, हम क्यों ध्यान योग नहीं कर सकते, हम क्यों बड़े बड़े ऐश्वर्य से भगवान की सेवा नहीं कर सकते, और हम क्यों यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञ कुंड में हम आहुति देकर भगवान को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा हम धीरे धीरे देखेंगे कि पहले सतयुग में लोगों की आयु हुआ करती थी 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष लोगों की आयु हुआ करती, तो और वो ज्यादा तंदुरुस्त भी हुआ करते थे और हुष्ट पुष्ट भी हुआ करते थे। आजकल के कलयुग में आप देखें तो लोगों की आयु मैक्सिमम 100 ईयर्स है, और 100 ईयर्स की उम्र में आते से पहले पहले ही क्या हो जाता है कि लोग स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है, और किसी का आहार अच्छा नहीं है, और किसी को बहुत सारी शारीरिक और प्रॉब्लम है, तो वो पहले तो योगाभ्यास कर भी नहीं पाएगा। ऐसे बैठ के अगर कोई ऐसा योगाभ्यास करता है और किसी ने कह दिया कि मैंने 2.5 घंटे आज योगाभ्यास किया, भगवान के बारे में ध्यान लगाया, तो आप समझ लाइए कि उसको 2.5 घंटा बहुत अच्छी नींद आ गई। हालांकि उसने 15-20 मिनट भगवान के ऊपर ध्यान लगाया होगा, लेकिन पूरे 2.5 घंटे कलयुग के कलह में, जहां पे कहा गया कि कलयुग का व्यक्ति मंद सुमंद मतो मंद भाग्य ही उपद्रता, यानी कलयुग का व्यक्ति जो है झगड़ालू है, पेटू है, ईर्ष्यालु है, और दूसरों की संपत्ति लूटने में लगा पड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान में जो है और वो ध्यान नहीं लगा सकता, उसके मन में अलग अलग विचार आते हैं। सतयुग में लोगों के मन में अलग अलग विचार नहीं आते थे। और अभी दूसरे बताए त्रेतायाम यजतो मखय, यानी त्रेता युग में भगवान के भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण के भगवत धाम वापस जाने के लिए लोग क्या करते थे कि यज्ञ करते थे हवन कुंड में। तो आजकल ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उसके कुछ बहुत सारे रीजन है। पहले तो शुद्ध ब्राह्मण मिलना बहुत ही मुश्किल है, तथा कथित ब्राह्मण बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आप देखें, और उनका जो मंत्र उच्चारण है वो भी बराबर तरीके से नहीं कर पाते। जैसे कि आप देखें कि बहुत सारे जो साधु हैं, जो बहुत सारे ब्राह्मण आ जाते हैं, तथा कथित ब्राह्मण, वो क्या करते हैं को आप किसी की शादी में यज्ञ हवन कुंड में अग्नि जलानी होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जेब से माचिस निकालते हैं जब यज्ञ कुंड में अग्नि जलाने के लिए, तो क्या होता है उनकी जेब से आप देखेंगे बीड़ी मिलेगी, तंबाकू मिलेगा, है ना। वो कोई ऐसे आजकल के ब्राह्मण तथा कथित ब्राह्मण तो चाय का नशा भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो यज्ञ कैसे करेंगे। और दूसरा है, यज्ञ करने के लिए एकदम शुद्ध घी चाहिए, तो आजकल शुद्ध घी भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। दूसरा, यज्ञ करने के लिए हमें प्रॉपर होली प्लेस स्थान चाहिए, पवित्र जगह चाहिए। आजकल पवित्र जगहों का जो है अभाव रह चुका है, बहुत ज्यादा अभाव है। और दूसरा ये है कि आजकल जो है अपने घर में अगर आप यज्ञ कराते भी हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, पहले की तरह आंगन नहीं है, बड़े बड़े घर नहीं है जहां आंगन हो और आप आंगन में यज्ञ कर सके, तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है और आप अपने घर के अंदर यज्ञ कराएंगे तो पहले तो फायर अलार्म बजेगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जो आप यज्ञ कर भी नहीं सकते, और इस युग के लिए यज्ञ जो है वो अनुकूल नहीं माना गया है। और दूसरा है द्वापरे परिचर्यायाम, यानी द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण सेवा होती थी। ऐश्वर्यपूर्ण सेवा किसे कहते हैं कि भगवान को रोज 56 भोग लगते थे, भगवान को रोज हर व्यक्ति 56 भोग लगा सकता था, हर व्यक्ति भगवान को ऐश्वर्यपूर्ण भगवान की अर्च विग्रह की सेवा कर सकता था, भगवान को इवन गायों को भी
इवन गायों को भी लोग है ना आभूषण पहनाते थे सोने के, तो आजकल ये जो है ये भी संभव नहीं है कि हम भगवान की भगवान को प्राप्त करने के लिए हम ऐश्वर्यपूर्ण भगवान की सेवा कर सके। तो चौथा कलोतत कीर्तनिया हरि कीर्तनिया, यानी हर भगवान को प्राप्त करने के लिए कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र हरि का कीर्तन ही हमें प्राप्त करा सकता है भगवान के पास जाने का, भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता यही है। जैसे कि इससे पहले वाले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति हो एको महान गुण कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। यानी कलयुग में, कलयुग जो है दोषों का सागर है, कलोर दोष निधे राजन, निधे एक सागर को कहा जाता है, तो दोषों का सागर है। अस्ति हो एको महान गुण, यानी इसमें एक पवित्र गुण जरूर है। क्या? कीर्तनात एव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का ही कीर्तन करना है। यहाँ पे क्यों नहीं बोला किसी और का कीर्तन? कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजत, और वो फिर भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। तो इवन एक हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केलवम केवलम कलोव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यानी कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, एव केवलम केवल हरि का नाम, कलोव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यानी और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हमें इन सब वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमारे तथाकथित ब्राह्मणों के पीछे नहीं भागना चाहिए और योगा पद्धति के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें श्रील प्रभुपाद भी कह गए हैं कि योगाभ्यास करना इस कलयुग में बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल के ऑलमोस्ट असंभव है, और भगवान की जो ऐश्वर्यपूर्ण सेवा करना भी बहुत ही कठिन है, और यज्ञ करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि कोई इतनी गर्मी में भगवान के सामने 5-6 घंटा 8 घंटा यज्ञ कर रहे हैं अग्नि कुंड में, वो भी बैठ नहीं सकता, और ऐसे तथाकथित ब्राह्मण जो मंत्रोच्चार भी सही तरह से नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी हम नेग्लेक्ट करना चाहिए, और हमें सिर्फ और सिर्फ हरि कीर्तन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। हमें कुछ और करना नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये है कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। हरे कृष्णा।